अभी हम आज बात करेंगे चना फसल में कीट व रोग व्याधि नियंत्रण के बारे में, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों ने चना लगाया है और आने वाले समय में इस तरह की परेशानी उनको हो सकती है, तो इस परेशानी से कैसे वो बच सकते हैं यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। देखिए किसान बंधु, जो है अभी दलहनी फसल में चना का खेती जो है प्रमुखता के रूप में की जाती है और इस क्षेत्र में अभी चना का लगाने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग चने की खेती करते हैं। चूँकि हरा चना जो है उनको उखाड़ करके झंगरी के रूप में बेचना किसानों को ज़्यादा फायदेमंद उनको मिलता है, और ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कीटों का अगर आक्रमण हम लोग देखते हैं तो इसमें फली छेदक कीट है। फली छेदक ऐसा कीट है जिसके वजह से इनका जो फल है वो पूरा उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो जिस समय फूल आते हैं उसी समय से फूल भी खा जाते हैं, पत्ते भी खा जाते हैं, और फली बनने के बाद जैसे ही उसमें कोमल जो है सीड मिलता है उसको भी खा जाता है। तो इस तरह से लगातार उसको खाते खाते जो है इतना ज़्यादा उसमें डैमेज मिलता है कि लगभग जो यील्ड मिलना चाहिए किसानों को एक तो वो भी नहीं मिलता है, और दूसरा जो है काफ़ी मतलब उसका बाजार मूल्य भी घट जाता है। जी अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी जब फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग शुरू होगा तो उसमें फली छेदक आएगा। बिल्कुल। तो सर, अगर खेत को इस तरह से अगर किसान भाई सरसरी नज़र से अगर देखें तो वो कैसे और कौन से लक्षण को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि उनके खेत में फली छेदक का प्रकोप है या अन्य दूसरे कीटों का भी? देखिए किसान बंधु, अगर जब भी अपना खेत में जाते हैं तो उनको क्लोज मॉनिटरिंग करना होगा, मतलब बहुत जा करके एक एक पौधे के पास या दो पौधे के पास जब जाएंगे बैठेंगे तो उनको जो है दिखेगा। चूँकि क्या होता है कि 4-5 इंस्टार होता है, तो जब अंडा जो है अगर दिया हुआ रहेगा फली छेदक का तो बहुत सूक्ष्म रहेगा, पत्ती के नीचे रहेगा, उसके बाद जब हैच करता है फूटता है तो कोमल पत्ती है और वहाँ जो फूल बन रहा है उसी समय वो एकदम उसका फर्स्ट इंस्टार लार्वा बहुत छोटे रूप में वहाँ पर उसको खाते रहता है, और जब वो थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाता है सेकंड मोल्टिंग करेगा तो फिर उसके बाद जो है वो बड़े फूल है या उसके बाद जो बड़े पत्ते हैं वहाँ पर मिलेगा, फिर उसके बाद वो फली मिलेगा। तो इस तरह से करते करते जो है 3rd-4th इंस्टार में जब बड़ा लार्वा होता है तो वो हम लोग को आसानी से विजुअल होता है, दिख पाता है, लेकिन छोटे जो लार्वे हैं उसको देखने के लिए विशेष जो है ध्यान से अगर बैठ करके मॉनिटरिंग करेंगे किसान बंधु तो वो दिखता है। इसके अलावा इसमें क्या सर, पौधों के जो टहनियां हैं उसका आकार बदलता है या पत्तियों में भी किसी तरह का सिम्टम दिखता है, दाग वगैरह? वो देखिए वो ऐसा है कि पौधे कटे हुए टूटे हुए चाहे उसको खाए हुए जिसे कीड़े खाए हुए हैं तो उस ढंग से प्रतीत होता है, और फूल जो है जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा, वो धीरे से सूख जाता है क्योंकि उसमें डंक मार देता है, कहिए उसको जो है खा लेता है या उसका जो मेन भाग है उसको वो डैमेज कर देता है, जिसके वजह से फल भी नहीं बन पाते हैं। फूल आए हैं चना में, वह किस तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं अगर प्रकोप है तो? देखिए किसान बंधु को जो है सबसे पहले अगर चना का फसल लगाते हैं तो हम जरूर ये सलाह करेंगे कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन अगर किसान बंधु अगर लगाते हैं शुरुआती स्तर पे, तो उनको शुरुआती स्तर से अगर उनका खेत है तो नीम या करंज का तेल है उसको 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके और 10 दिनों के अंतराल पे अगर स्प्रे करते रहें तो ये कीटों की जो आक्रमण है वो स्वतः कम हो जाती है। उसके बाद जब है जब आक्रमण उनको लगता है इक्का दुक्का है तो इसके लिए गंध फास फंदा लगा देते हैं, सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जिससे जो है इसका क्या है कि उसमें नर तितली का गंध रहता है तो मादा उसमें आकर्षित होकर के फंस जाती है। तो ये पता चलता है कि हमारे खेत में जो फली छेदक कीट है उसका कितना मात्रा में यहाँ पर संख्या जो है उनके संख्या में यहाँ पर आक्रमण हुआ है, और उसी के अनुसार से फिर जो है इसमें हम लोग रासायनिक दवा का जो है वो चुनाव करके और स्प्रे करते हैं।